एमएजी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एक महिला का खोया हुआ पर्स ढूंढकर उसे वापस लौटाया है। बता दें कि 3 फरवरी को बोरीवली पश्चिम के करुणा हॉस्पिटल के पास एक ऑटो रिक्शा में नीता गोरे नामक महिला का पर्स एवं पैसा अन्य सामान छूट गया था। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत एमएजी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला का पर्स ढूंढकर उसे वापस लौटाने का काम किया है। एमएजी पुलिस स्टेशन में 3 फरवरी 2022 को एक महिला नामे नीना गोरे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके एक कंप्लेंट की कि रिक्शा में जाते वक्त उनका पर्स रिक्शा में ही रह गया और उसमें 27,000 कैश, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारस्वत बैंक का एटीएम कार्ड ऐसा था। तो उन्होंने हमारे नाइट ड्यूटी ऑफिसर पृथ्वीराज कदम उनके पास कंप्लेंट की। हमने इमीडिएटली हमारे डिटेक्शन स्टाफ को बुलाया। डिटेक्शन स्टाफ के सिंधिया और मोरे, उन्होंने स्पॉट पे जाके सीसी कैमरा चेक किया और सीसी कैमरे से फिर हमें रिक्शा का नंबर मिला और रिक्शा का नंबर से हमने इमीडिएटली जो रिक्शा का चालक है और जो ओनर है उनका पता किया और पूछताछ करने के बाद हमें ऐसे पता चला कि ये जो अपनी कंप्लेंट है, कंप्लेंट के बाद 2 महिला है वो रिक्शा में बैठी थी। फिर वो महिला का डिटेल्स हमने रिक्शा को पूछा तो रिक्शा वाला बोला कि हमने सेंट मेरी मेक लेक प्राइमरी स्कूल कोरोना हॉस्पिटल, यहाँ वो लेडी को हमने छोड़ा है। तो वहाँ से फिर वापस हमारे बीट मार्शल है घोड़के और गोरा, उन्होंने वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल से बात करके उन्होंने वहाँ का भी सीसी फुटेज कैमरा चेक किया और फिर हमको पता चला कि ये स्वप्ना चौधरी करके राहुल पाड़ा दहीसर पूर्व से आई थी और वो अपने बच्चे के स्कूल फी देने के लिए वहाँ आई थी। और फिर हमारे जो स्टाफ है शिंद गोरात और घोड़के, उन्होंने स्वप्ना चौधरी से कांटेक्ट करके उनको पुलिस स्टेशन बुलाया, उनको अच्छी तरह से समझाया और उन्होंने इमीडिएटली कैश 20,000 रुपीज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सरस्वत बैंक का डेबिट कार्ड वापस कर दिए। हमने कल नीता गोरे ने कल हमको फ़ोन की थी कि ऐसी ऐसी सर ऐसी ऐसी बातें हैं, क्योंकि उनकी मेरी पहले से पहचान है, क्योंकि कई सर मैं भी रहती हूँ भी रहती। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने एमएचजी पुलिस स्टेशन में गया और साहब से मैंने मिला। साहब ने बोला कि जहाँ साहब आप आए हो तो काम नक्की है, जो हमारे साथ में भगवान नारकर भी थी, दीपाली कामले भी थी, तो हम लोग साथ में जाकर के वहाँ काम किया। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि आज सुबह से, रात को ही फ़ोन आ गया था, आज सुबह से उनके 2 स्टाफ और कदम साहब थे वो, ये सब मिलकर के वहाँ मेहनत किया। मेहनत करने के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग स्कूल में गए, स्कूल में जाके वो फुटेज होता है ना, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज होता है, फुटेज देखने के बाद जो वहाँ का जो सिपाही थे उनका नाम कुछ क्या था मैडम, कुछ ऐसा घोड़के और ऐसा रिक्शा ड्राइवर और एक स्टाफ का खुराक साहब थे, ऐसा करके थे। तो उन्होंने देखे, उनके बाद वो जो राहुल पाड़ा जो रिक्शा में बैठे थी मैडम, वो सबसे बड़ा महत्व बात यह है कि जो रिक्शा ड्राइवर था उन्होंने बहुत ही कॉपरेट किया पुलिस को, तो इसलिए कॉपरेट करने के बाद उन्होंने सब डिटेल दिया कि भाई वो राहुल पाड़ा में मैंने उनको छोड़ा। लेकिन स्कूल वाले ने जब फुटेज दिखाया तो उसका एंट्री जो था सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए स्कूल हो या कोई सोसाइटी हो, एंट्री जो करता है बहुत महत्व की चीज़ रहते हैं, उसमें नंबर जो नंबर से जो स्टाफ थे पुलिस स्टाफ उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो राहुल पाड़ा में, आज की बात बता रहा हूँ कि 2 बजे के करीबन, मैंने पूरा दिन मेहनत करने के बाद और दीपाली कामले, नारकर और नीता गोड़े ये सब पुलिस स्टेशन में थे, ये सब मिलकर के वहाँ मेहनत किए, तो आज मेहनत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला
और जो नित्या गोरे जो है तो गरीब है, उनका जो पैसा 27,000 रुपया था बहुत मायने रखता हूँ, लेकिन वो जो ली जो महिला जो थी उन्होंने जो पैसा लौटा करके, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पैसा उनका पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी था सारा पेपर बैग के साथ वापस किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, रिक्शा ड्राइवर को भी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि MH पुलिस स्टेशन को जो स्टाफ है, सीनियर साहब है, ये सारे मिलकर के जो उन्होंने काम किया, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं MH पुलिस स्टेशन का फिर से एक बात कहूँगा कि बहुत ही सराहनीय काम किए उन्होंने और एक आदमी का सारा चीज़ दिलाए।